मध्य प्रदेश के बैतूल के जिला चिकित्सालय के मेटरनिटी वार्ड में डिलीवरी के बाद प्रसूता तड़पती रही और बुलाने पर एक घंटे तक ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर नहीं आई, जिसके कारण प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। CMHO ने जांच के आदेश दिए हैं। सुरक्षित मातृत्व का आश्वासन देने वाले स्वास्थ्य विभाग में प्रसूताओं की देखरेख कैसे होती है, इसका नज़ारा आज बैतूल में देखने को मिला, जहां एक प्रसूता ने सिर्फ इसलिए दम तोड़ दिया क्योंकि ड्यूटी डॉक्टर बुलाने के बाद भी एक घंटे तक नहीं पहुंची और प्रसूता ने दम तोड़ दिया। खास बात यह रही कि मौत के पहले घबराते रही प्रसूता को दिलासा की जगह नर्स थप्पड़ लगाती रही। यह आरोप उस पति और बहन का है जिसने अपनी पत्नी, बहन और दो मासूमों की मां को खो दिया। मामला बैतूल जिला अस्पताल का है, जहां बैतूल थाना इलाके के मलसिवनी निवासी 28 वर्षीय महिला पप्पी बांसे को प्रसूति के लिए शनिवार को भर्ती कराया गया था, जहां प्रसूति के बाद शनिवार की रात 1 बजे उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर को बुलाने के बावजूद जब वो नहीं आई तो प्रसूता ने दम तोड़ दिया। प्रसूता को अस्पताल लेकर आई आशा कार्यकर्ता और पप्पी की बहन रिंकी खंडेलवार का आरोप है कि उसकी मरीज को कि पहले तो ठीक से प्रसूति नहीं कराई गई, जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर को समय पर नहीं बुलाया गया। डॉक्टर भी तब 1 घंटे बाद पहुंची जब प्रसूता की मौत हो गई। इसके पहले नर्स ने उसी पेशेंट को गाल पर कई थप्पड़ मारे थे। रिंकी का आरोप है कि प्रसूता की मौत के बाद उसे ऑक्सीजन लगाने का नाटक किया जाता रहा। मृतका के पति मनोज ने पूरे मामले की शिकायत CMHO डॉक्टर AK तिवारी से की, जिन्होंने प्रकरण की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा जताया है। आपको बता दें कि मृतका की प्रसूति के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया था, जबकि उसका एक अन्य बेटा भी है, जिस डॉक्टर को इस प्रसूता को देखने का कॉल किया गया था उनका नाम डॉक्टर कृष्णा मौसिक बताया जा रहा है। परिजन मृतका का PM कराए बगैर शव घर ले गए हैं, जिससे मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। कर रहे वो गलत है, ऐसा नहीं हुआ जाता है। तो मुझसे बोलती, बोले आप ज्यादा बात मत करो, बोले आप कहाँ की आशा हो, बोले मुझे जानकारी दो, बोले आप कहाँ की आशा हो, बोले आप इस तरह से पेश कर रही हूँ, मुझसे बात कर रही हूँ, बोले। तो मैंने बोली, मैडम मैं आशा कहीं की भी हो, आशा को इसलिए रखा गया है माँ और बच्चे की सुरक्षा के लिए, और मैं, मेरी बहन है, मेरी पेशेंट है, उसको अच्छे के लिए लेके आई हूँ मैंने। तो बोले मैं अभी आपका मरीज को, बोले, रेफर कर रही पार्टर, बोले। तो मैंने बोली, आपको ऐसे लग रही है मैं मरीज की कंडीशन, रेफर नहीं गिर रहे आवर और आपको लगता है कि रेफर होना है, आप कर दीजिए, हम तैयार हैं, आप बोलिए, आपके कहने में हम चलेंगे, हम तो मरीज को अच्छा करना चाह रहे हैं। इतने बोले तो फिर वो उनने कुछ नहीं बोली, फिर ठीक है बोले। फिर मैंने बोली, मैडम हमें इतना नॉलेज है, इतनी डिलीवरी करवाते हमें 10 साल हो गया काम करे आशा का, हमें इतना नॉलेज है कि इंजेक्शन दी जाती है, बाटल लगाया जाता है, उसके थ्रू भी अवल गिर जाते हैं और नहीं होते तो फिर सीजर करना पड़ता है, आपने वो करा नहीं, आप उसे इंजेक्शन लगाइए, बाटल लगाइए, आप अपना काम करिए, और यदि नहीं होगा तो फिर हमें जो बनेगा आप जैसा बोलेंगे हम तैयार हैं उसमें। फिर उन्होंने, मैंने बोली तो उनने इंजेक्शन और बॉटल लाई और लगाई, उसके बाद बॉटल लगाई और उसके बाद फिर आंवल गिर गए, फिर गिरे आंवल तो वो 2 घंटे तक पड़ी रही वहीं पे स्ट्रेचर में, मगर उसको ना उठाए ना कुछ नहीं करे, उसको ऐसे ही पड़े रहने दिए, बस इतनी बात है। फिर मैं उसको, हमने लेके आए रूम में, शिफ्ट करे रूम में लाके सुलाए, फिर उसके बाद उसको ठंड लगी तो मैं दौड़ते सिस्टर के पास गई, सिस्टर मरीज को मैंने बोली बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, घबराहट, तो सिस्टर बोले वो ऐसा होता है तुम ओढ़ा दो। फिर मैं दूसरी बार आई, फिर दूसरी बार मैंने बोली नहीं सिस्टर बहुत ज़्यादा घबरा रही है, आप देख तो लीजिए कंडीशन एक बार। फिर सिस्टर ने इंजेक्शन लेके आई एक दूसरी ने, फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया, फिर इंजेक्शन दे के और वापसी चली गई। फिर वो एकदम आड़ मोड़ होने लगी, हाथ पैर डालने लगी, बोले दीदी मुझे बचा लो, बोले मुझसे बोलती दीदी मेरे को बचा ले, बोले। तो फिर मैंने बोली ठीक है, मैं कर दी कुछ। फिर मैंने सिस्टर से बोली, सिस्टर मैडम तो होगी, डॉक्टर तो होंगे, कोई किसी की ड्यूटी तो होगी, मैंने बोली आप पेशेंट को लिए बुला लीजिए, एक बार डॉक्टर देख दे क्या है मरीज, कैसा हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, देख के बता देगा। तो बोले मैंने मैडम को कॉल कर दी, बोले मैंने मैडम को कॉल करी तो मैडम आ रही है, बोले 1 घंटा वेट करे, मरीज तड़प रहा है, मगर 1 घंटा तक बुलाने पर मैडम नहीं आई। आप बताइए ये कहाँ का इंसाफ है, मरीज के साथ ला के नर्स ऐसी कर रही है कि मार रही है पेशेंट को। हाँ,
एक घंटा करीब लगे। बस उसके बाद थोड़ी देर से सिस्टर आई, उनको ऑक्सीजन लगाया और जब तक वो ठंडी हो चुकी थी, हम मैंने जाके छू के देखी, सिस्टर बोलती नहीं अच्छी है, मैंने जाके देखी तो कुछ भी नहीं था। और सिस्टर बोलती डॉक्टर बिल्कुल नहीं आई, और सिस्टर को सब पता थी मगर सिस्टर ने हमें बताया नहीं कि ऐसी हो गई, मगर हमें पता हो गया था कि ये कुछ नहीं है इसके शरीर में करके। और फिर जबरदस्ती ला के उसका ऑक्सीजन लेवल नाप रही, ऑक्सीजन लगा रही। हाँ, इसमें मैडम की लापरवाही है जो एक घंटे बुलाने पे नहीं आई, शायद आ जाती तो हमारे मरीज को कुछ ऐसा होता नहीं होता। और जो सिस्टर ड्यूटी में थी, ड्यूटी के साथ पेशेंटों के साथ किसी महिला को ऐसा करना चाहिए क्या, मारना चाहिए क्या, ये कहाँ का इंसाफ है। उसे प्यार से समझाया जाता है, बताया जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मारा पीटा जाता है पेशेंट को ले जाके। मनोज बांसे। मनोज, आपकी पत्नी का नाम क्या है और क्या हुआ उनको? पप्पी बांसे। उसको मैं सुबह डिलीवरी के लिए लाया था करीबन 11 बजे। जैसे लाया, पर्चा बनवाया और यहाँ पे दिखाने के लिए लाए तो टेस्ट किए और बता दिया कि शाम तक हो जाएगा। फिर मैं खाना लेने के लिए घर चल दिया। डिलीवरी हो गई? नहीं हुई थी। तो शाम को खाना लेके आया मैं 9-1 बजे। खाना वाना खिलाए और मेरे साथ एक और था तो उसको छोड़ना था घर पे, मैं उसको लेके चले गया था। फिर मेरे पास फ़ोन आया 12 के लगभग। फिर 12:06 में डिलीवरी हो गई, बोले अच्छी नॉर्मल, तो मैं घर पे ही सो गया था। फिर बाद में थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि घबराहट हो रही है जल्दी आओ, मैं फिर घर से उठ के आया। तो यहाँ पे देखा तो शांत हो गई। किसकी लापरवाही लग रही है आपको? ये सिस्टर और मैडम की। कौन मैडम की ड्यूटी थी? मैडम का नाम नहीं बना। कितनी देर तक बुलाया उनको? एक घंटा तक। नहीं है? नहीं। इसको उसमें लेंगे सर, ये एक मैटरनिटी वार्ड में प्रसूता की मौत हो गई है। परिवार का आरोप है कि जो ड्यूटी डॉक्टर है वो एक घंटे तक नहीं पहुंची। सर क्या संज्ञान में आया मामला, क्या कार्रवाई हुई? हाँ, ये उनके जो एक्सपायर हुई हैं पप्पी वान से, उनके पति का फ़ोन आया था सुबह सुबह हमारे पास कि हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा हुआ है। और उनकी कंप्लेन ये थी कि आपके यहाँ जो डॉक्टर पोस्टेड हैं, जो ड्यूटी पे डॉक्टर थी, सिस्टर थी, उसने हमारी बात नहीं सुनी और हमारी जो श्रीमती है डिलीवरी के बाद उसकी तबीयत ख़राब हुई, एक घंटे तक हम बुलाते रहे, वो नहीं आई है। तो अगर वो ऐसा है, शासन के द्वारा वहाँ पे पोस्टिंग की जाती है, नाइट डे ड्यूटी लगती है, जिनकी ड्यूटी होगी उनकी संज्ञान में आया है, उसकी जांच करा के उनके ऊपर कार्रवाई होगी।